मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती की उसके ही नए नवेले लिव-इन जोड़ीदार ने शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर गर्दन पर कैंची मारकर निर्मम हत्या कर दी। जी हां, इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी को उसके घर गुना से गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, वह तो हम आपको आगे खबर में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सागर की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सजल मोबाइल, कंप्लीट मोबाइल शॉप, बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं, थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता सजल मोबाइल, सरस्वती मंदिर गली, बड़ा बाजार, सागर। दरअसल सागर की रहने वाली 20 वर्षीय निकिता उर्फ श्वेता प्रजापति जो इंदौर में रह रही थी, जिसकी इंस्टाग्राम के जरिए बीते 10 दिन पहले ही इंदौर में रहकर नौकरी करने वाले एक 25 वर्षीय प्रवीण धाकड़ से हुई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने युवती को इंस्टाग्राम आईडी पर रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद मृतिका ने उसे 3 दिसंबर को मिलने बुलाया। 3 तारीख से लगातार 7 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक वह निकिता के साथ ही रहा। आरोपी ने बताया कि निकिता को शराब और सिगरेट पीने का काफी शौक था, जिसके बाद उसने निकिता का किराए का रूम खाली करवाया और नए रूम में उसे शिफ्ट करा दिया। इसके बाद 6 और 7 दिसंबर की रात को आरोपी और मृतिका ने साथ में बैठकर शराब पार्टी की और सुबह जब उसने मृतिका से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो उसका मृतिका ने विरोध किया, जहां आरोपी ने कमरे में रखी कैंची से निकिता उर्फ श्वेता की गर्दन पर मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार होकर अपने घर गुना पहुंच गया। वारदात के 2 दिन बाद जब पड़ोसियों को बदबू आई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने मृतिका के परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन परिजन मृतिका का शव लेने नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने निगम कर्मियों की मदद से युवती का अंतिम संस्कार करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका मूलतः सागर की रहने वाली थी, जो इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी वीडियो डाला करती थी। साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रवीण धाकड़ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जो करीब 8 महीने पहले से इंदौर में रह रहा था। रावजी बाजार क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें सुबह सूचना आई थी कि एक जबरन कॉलोनी में घर है जिसमें एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके गले में कैंची से हमला करके हत्या करी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर तस्दीक करने के बाद में यह ज्ञात हुआ है कि वहां पर वो एक व्यक्ति के साथ में कुछ दिनों पहले ही किराए पर रहने आई थी और उनके झगड़े किसी बात को लेकर हुए थे, ऐसा आसपास के लोगों ने बताया है। अभी अन्य लोगों से जानकारी और पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार महिला का नाम निकिता प्रजापति आया है। बहरहाल सागर की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती को अनजान दोस्ती और शराब पार्टी मौत की दहलीज तक ले गई और इस अनजान दोस्ती का खूनी अंत हो गया। सागर से वसीम कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया।